नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरें। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बाद बढ़ा किसानों का गुस्सा, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 18 फरवरी को होगा रेल रोको अभियान। राज्यसभा से विदाई के बाद गुलाम नबी आजाद बोले, अब नहीं बनना चाहता सांसद या मंत्री, पार्टी में भी नहीं चाहिए कोई पद। चमोली में पांचवें दिन रेस्क्यू जारी, तपोवन टनल में ड्रिलिंग कर रही है आईटीबीपी। चमोली हादसे के बाद 170 से अधिक लोग लापता, तलाश जारी। भारत को लग सकता है बड़ा धक्का, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाएंगे रविंद्र जडेजा। बंगाल चुनाव पर अमित शाह का ध्यान, आज परिवर्तन रथ यात्रा के चलते चौथे चरण की शुरुआत करेंगे शाह, रैली को भी करेंगे संबोधित। लंबे समय के बाद आज बिहार में दिखेंगे कन्हैया कुमार, पूर्णिया के किसान महापंचायत में होंगे शामिल, मोदी सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। ग्रेटर हैदराबाद निगम के मेयर का चुनाव होगा आज, दोनों पदों पर टीआरएस के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना। चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 150 सीटों वाली जीएमसीएच में जीती थी 56 सीटें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, 15 दिन में पेट्रोल 4 रुपए अधिक महंगा, दोनों ईंधनों में 15 और 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। ये थी आज की खास खबरें। खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।